शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पेशेंट कहाँ है? ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर एक पीपीई डिटेक्टिव का वीडियो आया है। आप सबका पीपीई डिटेक्टिव पेज में स्वागत है। मैं हूँ पीपीई डिटेक्टिव। अभी कोविड में आप कई तरह के न्यूज सुन रहे होंगे, मेरे पास भी एक न्यूज है। बेंगलुरु सिटी के फेमस फैमिली की बहू कुछ दिनों से गायब है। घर वाले सब परेशान है, लेकिन बहू कहीं कहा ना ही किसी हॉस्पिटल में है ना घर पे। आगे जानने के लिए फॉलो कीजिए मेरे पेज को पीपी डिटेक्टिव। मोहित, अच्छा हुआ तुम लोग वक्त पे वापस आ गए, वरना न जाने कब तक फंसे रहते। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। नहीं पापा, इस ट्रिप पर इतना खर्चा हो गया, डील लॉक नहीं हुई और फैक्ट्री अलग। अरे फैक्ट्री को कुछ नहीं हुआ मोहित, तुम लोग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। I hope you guys are fine. क्यों लक्ष्मी? जी पापा। हाँ पापा, वैसे भी हम उस एरिया से काफी दूर ठहरे थे जो वायरस इन्फेक्टेड था, और उसके बाद एयरपोर्ट पर भी स्क्रीनिंग हुई, तो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। गुड, चलो ये तो अच्छा हुआ। मेरे पास तुम लोगों के लिए गुड न्यूज है। मुबारक हो। हमारे बारे में नहीं है। अब मेरा मतलब गुड न्यूज तो मुझे देनी चाहिए ना, और उल्टा आप मुझे गुड न्यूज दे रही हैं। तो गुड न्यूज क्या है, किसके बारे में? तेरे भाई पीयूष के बारे में। एक मिनट पीयूष। हाँ माँ। जल्दी आओ बेटा, ये है शिखा, तुम्हारे भाई की होने वाली मंगेतर। मुबारक हो छोटे मियाँ। एक्चुअली मोहित, हमने ये प्लान किया था कि तुम लोग जब ट्रिप से वापस लौटोगे ना, उसी दिन इन लोगों की शादी करा देंगे। और ये कोविड ने तो, लेकिन इसमें भी अच्छा ही हुआ है, अब ये हमारे साथ ही रहेगी और ये दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा और लक्ष्मी को भी एक सहेली मिल जाएगी। मम्मी जी, मैं थोड़ा थक गई हूँ, ट्रैवल बहुत लंबा था। इट्स ओके अगर मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ तो? वही, तुम भी जाओ। नहीं नहीं, इट्स ओके, आप लोग बातें कीजिए, मैं डाइनिंग टेबल पर मिलती हूँ। मैं भी चलती हूँ। हम लोग आते हैं। हाँ। यस मोहित, कैसी रही मीटिंग? यार मीटिंग छोड़िए, मैंने फैक्ट्री के लिए कोई स्ट्रेटजी प्लान की है, एंड आई एम वेरी मच श्योर ये जरूर काम करेगी। यस मोहित, आई एम श्योर, अगर तुमने कोई स्ट्रेटजी प्लान की है तो डेफिनेटली सक्सेसफुल जाएगी। हाँ डर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अंदर आ सकती हूँ अगर आप बिजी नहीं हो तो? नहीं नहीं, आओ ना, आओ आओ अंदर बैठ। और बताओ कैसा लग रहा है इस घर में? अपने घर को मिस कर रही हो? एक्चुअली भाभी, जब लॉकडाउन हुआ था तो मुझे लगा मम्मी पापा के बिना रहना बहुत मुश्किल होगा, पर ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं अपने होने वाले ससुराल में हूँ। मैं आपको जानना चाहती हूँ और मैं बाकी सबको भी जानना चाहती हूँ। Look under your pillow for a surprise. Wear this and wait for your next surprise.
I have to say, this is quite impressive. तुम्हें exactly पता है कि लड़की को कैसे impress करते हैं। This is quite a surprise. अपनी कंपनी की प्रोडक्शन 23% बढ़ गई है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सैनिटाइजर में हमारी कंपनी सबसे नंबर वन होगी। ऑल क्रेडिट गोज टू यू मोहित। अगर तुम इतना अच्छा आइडिया ही नहीं देते तो इतनी अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी नहीं बनती। ऑल थैंक्स टू यू। पापा आपको क्या लगता है हमें चेन्नई वाले माँ आवाज कम करो ना, एक ही न्यूज बार बार देख रहे हो आप। बस अपना गुस्सा मुझ पे निकाल। मिस्टर राय, यस आई एम मिस्टर राय। सर वी आर फ्रॉम बीबीएमपी, हम लोग रैपिड टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं फॉर एवरीवन सेफ्टी। बट मगर हमारे घर में तो किसी को ऐसे सिम्टम्स नहीं है कि आपको टेस्ट करना पड़े, तो फिर टेस्ट क्यों? सर हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप लोगों में से कोई रिसेंटली इंटरनेशनल ट्रिप से लौटा है, तो ये टेस्ट जरूरी है। ठीक है, वी डोंट माइंड, यू कैन गो अहेड। थैंक यू ऑल फॉर द कोऑपरेशन। आप लोगों को दो दिन बाद आपकी रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। यू डोंट वरी, बस तुम प्रोडक्शन जारी रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आई विल हैंडल एवरीथिंग, डोंट वरी। ओके ठीक है, हम काम चालू रखो। आपका बैग। हाँ लक्ष्मी, वो आज लंच रहने दो, स्टेट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग है ना, वहीं कर लूंगा। जी मोहित, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत जाओ ना, माहौल खराब है बाहर का। अरे आप लोग फिर आ गए यहाँ पे? देखिए सर, देयर इज एन इमरजेंसी, आपकी फैमिली में से एक मेंबर कोविड पॉजिटिव हुआ है। कोविड? हमें उन्हें क्वारंटाइन में तुरंत लेके जाना होगा। कौन? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी? मैडम हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आपको हमारे साथ अभी आना होगा। मगर आप इन्हें ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? जी सर, शी इज इन डेंजर, और आप लोगों को भी रिस्क है, प्लीज स्टे अवे। लक्ष्मी तुम्हारा फोन खराब है, तो मेरा फोन ले जाओ। सर फोन अलाउ नहीं है, आप प्लीज हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट कीजिए।
कौन से हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं? सिटी हॉस्पिटल। आप कल कॉल करके डिटेल्स दे लीजिएगा, आज टेस्ट में टाइम जाएगा। सुन बेटा, तूने कुछ नहीं खाया, तू कितना स्ट्रेस ले रहा है, लेकिन तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट दूध तो पी ले। मम्मी, मुझे लगता है कि हमें कम से कम लक्ष्मी के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं, पहले हमें हॉस्पिटल में बात करनी होगी, उसके बाद। और अगर हमने उसके पेरेंट्स को पहले बताया तो वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। अभी नहीं। क्या हुआ, फोन लगा? नहीं मॉम, नंबर बिजी चल रहा है, कब से लगा रहा हूं। हेलो? नहीं नहीं, अभी नहीं चाहिए। देखो, डोंट कॉल मी फॉर सम टाइम, मैं खुद कॉल बैक करूंगा। ओके मॉम, मैं एक काम करता हूं, मैं हॉस्पिटल जाता हूं और भाभी के बारे में पता करके आता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, बैठो, थोड़ा वेट करते हैं, लाइन बिजी आ रही है, हो जाएगा। The number you are trying to call is currently not reachable. क्या हुआ? डैड, बहुत हो गया, एक दिन हो गया, लक्ष्मी का कुछ पता नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना ही होगा। ठीक है, मेरी कार लेकर जा, उस पर एसेंशियल सर्विस का टैग लगा हुआ है, कोई पूछेगा तो कहना कि सैनिटाइजर सप्लाई के लिए जा रहा है। ओके डैड, थैंक यू। कुछ समझ में नहीं आ रहा, दोनों हॉस्पिटल में चेक कर लिया लेकिन लक्ष्मी का कहीं पता नहीं चल रहा। आखिर उसे लेके गए तो कहाँ ले गए? भैया, आपका BBMP पे कॉन्टैक्ट है ना? हाँ। आप एक काम करो, वहाँ पता लगाओ, क्या पता भाभी के बारे में कुछ पता चल जाए। गावड़ा, हेलो गावड़ा, मोहित राय बोल रहा हूँ। जी बताइए सर, क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? माई वाइफ हैज टेस्टेड पॉजिटिव, बस उसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ मगर कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, उनके पास फोन होगा ना, तो कॉल है। व्हाट, क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने तो कहा था कि पेशेंट को फोन अलाउड नहीं है और उन्होंने लक्ष्मी को फोन ले जाने नहीं दिया। ये किसने कहा आपसे? ऑफ कोर्स दे आर अलाउड। अब बताइए, पेशेंट के पास फोन नहीं होगा तो अपनी फैमिली के साथ टच में कैसे रहेगा वो? और आप तो जानते हैं, मीटिंग इन पर्सन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। और अच्छा, वैसे हॉस्पिटल कौन सा है? हमें सिटी हॉस्पिटल बोला गया था, बट आप लोग तो इंदिरा नगर में है और इंदिरा नगर के पेशेंट को वहां के सबसे नियर बाय हॉस्पिटल में रखा जाता है। यही तो स्ट्रेस है कि लक्ष्मी का रिकॉर्ड किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है, दोनों में चेक कर लिया मैंने। ये कैसे हो सकता है मोहित जी? अच्छा, आपने टेस्ट कहाँ करवाया था? आई मीन किसी लैब में या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल? लैब? BBMP वाले खुद हमारे घर पे आए थे, हम तो कहीं नहीं गए, उन्होंने टेस्ट किया। ओके, रैपिड टेस्ट टीम। लेकिन आपके इलाके में रैपिड टेस्ट टीम ने अभी तक कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं किया है। आर यू श्योर गौड़ा? आई एम डैम श्योर, क्योंकि टेस्ट एरिया मैं ही शेड्यूल करता हूँ और आपका इलाका तो नेक्स्ट वीक में शेड्यूल है। ओके, थैंक यू। क्या हुआ मोहित, क्या कहा उसने? यार, उसने ये कहा है कि हमारे एरिया में ऐसा कोई टेस्ट कंडक्ट हुआ ही नहीं है। क्या, तो ये सब कौन थे? डैड, शायद लक्ष्मी किडनैप हो गई है। व्हाट? पापा, भैया, हमें लक्ष्मी भाभी के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। डैड, हमें सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नो 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 मोहित, नॉट पुलिस, पुलिस नहीं, फैमिली के रेपुटेशन का सवाल है, पुलिस को बुलाना मतलब इट्स अ ह्यूज स्टेप।
टेड क्या कह रहे हैं आप? दो दिन से लक्ष्मी लापता है, उसका कोई पता नहीं है और आप रेपुटेशन की बात कर रहे हैं? या एक काम करो, गावड़े से पता करो, शायद किसी ऑफिसर को जानता हो। आई थिंक दैट विल बी बेटर।